ग्वालियर में पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए नए नए तरीके खोज रही है, तो बदमाश भी पीछे नहीं है। बदमाश भी बचने और इसमें गांजा छुपाने के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। रविवार को पुलिस ने एक साथी स्मैक तस्कर को पकड़ा है। पहले तो पुलिस भी चकरा गई कि मुखबिर की सूचना कैसे गलत निकल गई। तलाशी लेने के बाद स्मैक नहीं मिला, फिर पुलिस की नजर तस्कर के पास पानी की बोतल पर गई। उसमें पुलिस ने गौर से देखा तो एक पॉलीथीन की पुड़िया अंदर पड़ी थी और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक भरी थी। पुलिस ने जब बोतल खाली की तो पुड़िया मिली जिसमें 50 ग्राम स्मैक थी, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। हालांकि कागजी कार्रवाई में पुलिस ने जेब से स्मैक मिलने की पुष्टि की है। रविवार को मुरार थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव को सूचना मिली थी कि मुरार के MH चौराहे पर एक स्मैक तस्कर आया है, जो स्मैक की बड़ी खेप लाकर निकल रहा है और जल्द नहीं पकड़ा गया तो वह यह माल सप्लाई कर देगा। इसके बाद मुरार पुलिस ने तत्काल अफसरों को लेकर क्राइम ब्रांच के साथ स्मैक तस्कर की घेराबंदी शुरू की। पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहे थे कि तभी एक बिना नंबर की काले रंग की बाइक आती दिखाई दी। पुलिस को देखते ही बाइक सवार ने बाइक रोकी और छोड़कर भागने लगा। इसी बीच चेकिंग कर रही क्राइम ब्रांच की प्रधान आरक्षक अर्चना कंसान की नजर उस पर पड़ी तो भाग रहे युवक का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस को पीछे देखकर युवक संकरी गलियों से घुस गया, जिससे पुलिस वाहनों से उसका पीछा ना कर सके। युवक को भागते देखकर थाने से अन्य जवानों को घेराबंदी के लिए बुलाया तो जवानों ने चारों तरफ से उसे घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए स्मैक तस्कर संतोष कालिया से पूछताछ की तो वह भागने का कारण नहीं बता सका। इसके बाद उसकी तलाशी ली लेकिन कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला, जबकि इससे पूर्व भी वह 80 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था। पुलिस कर्मियों को उस पर शक हुई। इसके बाद फिर तलाशी ली लेकिन फिर भी पुलिस खाली हाथ रही, जबकि पुलिस कर्मियों का मानना था कि उसके भागने के पीछे कोई कारण रहा होगा। जब 3 बार तलाशी में कुछ हाथ नहीं आया तो पुलिस की नजर आरोपी के हाथ में पानी की बोतल पर गई, क्योंकि पानी की बोतल पर कपड़ा लिपटा हुआ था। जब कपड़ा हटाकर चेक किया तो बोतल के अंदर एक थैली रखी हुई मिली, जिसमें 5 लाख रुपए कीमत की स्मैक थी। स्मैक बरामद कर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ASP राजेश डंडौतिया ने बताया कि एक स्मैक तस्कर को पकड़ा है। पकड़े गए स्मैक तस्कर के 5 लाख रुपए कीमती की स्मैक बरामद हुई है। पकड़े गए स्मैक तस्कर से पूछताछ की जा रही है कि वह यह स्मैक कहां से लेकर आया था और कहां ठिकाने लगाना था। NDPS के तहत विधिवत कार्रवाई करते हुए उसकी तलाशी लेने पर एक पॉलीथिन मिली जिसमें कुछ स्मैक जैसा पदार्थ था। जब उसको फिर जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का पालन करते हुए पूर्ण कार्रवाई करते हुए उसका पता चला कि वो स्मैक है और लगभग तौल जो वजन आया उसका 50 ग्राम्स आया, तो 50 ग्राम स्मैक के साथ उसको गिरफ्तार किया गया।